दोस्तों जंगल में लगता है शिकार की कमी हो गई, क्योंकि अब जंगल में भी कलयुग का असर दिखने लगा है, क्योंकि शिकारी जानवर आज एक दूसरे के खून के या पिछवाड़े के प्यासे हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या आपने कभी किसी चीता को तेंदुए से उलझते हुए देखा है, या फिर किसी शेर को भालू के दांत गड़ाते हुए सुना है? अगर नहीं सुना तो सुनने के साथ साथ आज देख लीजिए, क्योंकि आज हम शिकारी जानवर को शिकारी ही जानवर की वाट लगाते हुए दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले पुराने जमाने की इस क्लिप को देखिए, जिसमें ये बड़ा सा अजगर एक टाइगर के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ तो पूरी बाजी ही उलट पड़ी है, क्योंकि इस अजगर की मोटाई आप देख रहे हैं, जो अगर इस टाइगर को जकड़ ले तो सच बता रहा टाइगर की पॉटी बाहर निकला है। लेकिन हमारे पास कभी भी ये वीडियो पूरी नहीं होती, इस वजह से हमें नहीं पता कि कौन जीतता है। अब दोस्तों एक टाइगर को जब अजगर इतनी भारी टक्कर दे रहा था, तो ये कल्लू चाचा कैसे इस अजगर से जीत पाएंगे? लेकिन फिर भी कल्लू इस अजगर को पानी में भागने नहीं देते, और कुछ देर बाद इस तेंदुआ भी कल्लू की मदद करने आ जाता है, और दोनों मिलकर चीर फाड़ मचा देते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो तेंदुआ है, ये अजगर को मारने में पहले से महारत हासिल किए हुए है, क्योंकि यहाँ आप देख ही सकते हैं कि तेंदुआ इस अजगर को मारने में लगा हुआ है। खैर अजगर भी हमला करके इस तेंदुए के पसीने निकाल देता है, लेकिन फिर भी तेंदुआ बड़ी चालाकी से हमला करता है, और कुछ देर बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि अजगर पानी में वापस भाग जाता है, और तेंदुआ खड़े होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ तो ये तेंदुआ जरूर मन में यही सोच रहा होगा कि एक बार इस अजगर की चंगुल से निकल जाओ, उसके बाद फिर कभी अजगर से पंगा नहीं लूंगा। दोस्तों वैसे तो हमें पूमा और तेंदुए की लड़ाई जल्दी देखने को नहीं मिलती, लेकिन जरा इस लड़ाई पर नजर डालिए, जो कि बिल्कुल बराबरी की टक्कर है। लेकिन जब तेंदुआ वहां से जाने की कोशिश करता है, तो पूमा अश्लीलता पर उतर आता है, और ये देखकर तेंदुए के समझ में आ जाता है कि पूमा को उससे क्या चाहिए। इसलिए मौका पाते ही तेंदुआ वहां से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन यहाँ कहानी उलट जाती है, क्योंकि ये तेंदुआ अब इसके साथ वही करना चाहता है जो इस प्यूमा ने इसके भाई के साथ किया। लेकिन जैसे तेंदुआ अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुआ, वैसे ही पूमा भी यहाँ से भाग निकलता है। दोस्तों मगरमच्छ दरिंदे जरूर होते हैं, लेकिन कहते हैं ना हर दरिंदे का दिन आता है, वैसे ही इस मगरमच्छ के लिए ये तेंदुए किसी दरिंदे से कम नहीं होते, क्योंकि मगरमच्छ को जिस चीज की उम्मीद नहीं होती वो काम ये तेंदुए कर देते हैं। जैसे कि ये तेंदुआ मगरमच्छ को पकड़ने के लिए तालाब में कूद जाता है, और अंदर घुसकर मगरमच्छ को पकड़ के अपने साथ ले आता है, और ऐसा कभी कभी नहीं होता, बल्कि ऐसा कई बार देखने को मिला है। और इसमें हमें ये पता चलता है कि जंगल में हिप्पो को छोड़कर कोई जानवर सेफ नहीं है। दोस्तों एक शेर के लिए किसी चीता को मारना बच्चों का खेल है, जैसे कि इस शेर को आता देख ये चीता चुपचाप वहां से निकल लेता है, और अपने दोस्त को बताता तक नहीं कि शेर उसकी मौत बनकर वहां आ रहा है। और आप जितनी देर में अपनी पलक को झपकाएंगे, शेर उतनी देर में इस बेचारे चीता का काम तमाम कर देता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चीता लाख बहुत तेज दौड़ता हो, लेकिन शेर भी बस इनसे थोड़ा ही पीछे है, और इतने में तो बड़े बड़े जानवर का काम लग जाता है, और फिर ये चीता शेर के आगे क्या कर लेंगे। लेकिन क्या होता है जब एक पहाड़ी शेर का सामना भेड़िया से हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी शेर और भेड़िया दोनों ही मर्द होते हैं, और दोनों ही काफी हद तक खिलाड़ी जानवर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि जब इस पहाड़ी शेर ने शिकार किया था, तभी ये भेड़िया भी लार टपकाते शिकार के पास आ जाता है। लेकिन एक बात तो सच है, शेर शेर होता है। अब चाहे वो पहाड़ वाला शेर हो या अफ्रीकी शेर हो, लेकिन इस भेड़िया की ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और इसे अब यमराज ही सही से बताएंगे कि ये उनके पास कैसे पहुंचा। दोस्तों आप हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको टाइगर ज्यादा पसंद है या शेर। और अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर टाइगर भालू से पंगा लेता है, और भालू को तो आप जानते ही हैं ये कितने खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन टाइगर को इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइगर पहले यहाँ मर्द भालू को मारता है, फिर औरत भालू को मारता है, और फिर पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ये भालू तो देखने में लगता है कि दोनों टाइगर की कह के लेगा, क्योंकि यार आप इसका साइज देखिए, और साइज देख के कहीं ना कहीं टाइगर की भी इससे लड़ने में फट रही है। और यहाँ भालू बहुत जालिम था, और हमें लगता है एक टाइगर होता तो उसकी भालू जान निकाल लेता, लेकिन तीन टाइगर के आगे इसकी कहाँ चल पाएगी, इसलिए बेचारा जान निकालने की जगह अपनी ही जान दे बैठा। अब दोस्तों इन दोनों तेंदुओं को आपस में लड़ते हुए देखो, क्योंकि ऐसे कभी किसी तेंदुए को आपने
इससे पहले लड़ते हुए नहीं देखा होगा और फोटोग्राफर को भी इस वीडियो को बनाने में जंगल में 6 दिन तक भटकना पड़ा। और यहाँ तो चीता पर जैसे ही दूसरा चीता हमला करता है, वैसे ही चीता उसके सामने से सरेंडर कर देता है और उसे ऐसा घूरने लगता है जैसे कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, इन लोगों से खतरनाक तो ये टाइगर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के पीछे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई का हमें कोई नतीजा नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों ही टाइगर बराबरी के हैं। और सिर्फ टाइगर ही नहीं, ये शेर भी एक औरत को पाने के लिए मरे जा रहे हैं, जिसके बाद फिर एक शेर हार मान के खुद को ही पीछे हट जाता है। अब इन दोनों मर्द को देखो जो मैटिंग सीजन के दौरान अपनी मर्दानगी एक दूसरे को दिखा रहे हैं, क्योंकि फीमेल भालू भी यही चाहती है कि जो ताकतवर हो वही उसके पास आए। दोस्तों, जब शिकार करने की बात होती है तो पहाड़ी शेर और सब शिकारी जानवर की तुलना में काफी पीछे हो जाते हैं। और जिस जिस जगह पर पहाड़ी शेर पाए जाते हैं, वही वही भालू भी पाए जाते हैं। इस वजह से अक्सर इनका आमना सामना होता रहता है। लेकिन कूगर कभी भालू से पंगा लेने की कोशिश नहीं करते, लेकिन भालू अक्सर इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से कूगर को भी अपनी जान बचाने के लिए भालू से लड़ना पड़ता है। और यहाँ तो भालू कूगर से अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन पेड़ इस भालू को धोखा दे देता है, जिसके बाद भालू के पास इस कूगर से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और यहाँ तो भालू जैसे नशा करके आया है, क्योंकि इसके चलने का स्टाइल तो देखो, जिसे देखकर कूगर जान हलक में आ गई और कूगर सोच भी नहीं पा रहा कि यह आखिर हिस्से हो क्या गया। और ऐसा करने का फायदा भालू को ये हुआ कि कूगर सिर्फ और सिर्फ वहां से भागने की सोचता है। और यहाँ जब ये भालू कूगर के बच्चों पर हमला करने पहुंच जाता है, तो फिर एक माँ से ये सब कैसे देखा जा सकता है। और बस फिर क्या था, बच्चों की माँ इस भालू के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है और जब तक भालू को भगा नहीं देती, तब तक इससे लड़ती रहती है। दोस्तों, बेचारा तेंदुआ जंगल में शिकार भी बहुत करता है, लेकिन दूसरे जानवरों से जंगल में मार भी उतना ही खाता है। जैसे अब इन शेरनियों के बीच ये तेंदुआ बुरी तरह से फंस जाता है, जिसे देखने पर तो लगता है कि कोई चांस नहीं कि ये तेंदुआ अपनी जान बचा ले, लेकिन फिर पता नहीं कैसे क्या करिश्मा होता है और तेंदुआ वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस तेंदुए की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये भी इन शेरनियों के बीच फंस जाता है और उल्टा लेटकर अपने पंजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर शेर आकर जैसे इसका काम तमाम करने की कोशिश करता है, वैसे ही शेरनी शेर को हटा देती है। और ऐसा कुछ देर तक चलता रहता है और बेचारा तेंदुआ जमीन में लेटे लेटे सोचता है, काश ये सब आपस में लड़ जाए तो मैं वहां से भाग जाऊं। दोस्तों, यहाँ पर एक यंग लेपर्ड सामने से आती हुई फीमेल चीता पर जोरदार हमला बोल देता है, ताकि ये उसके बच्चों को अपना शिकार बना सके। तेंदुए को देखते ही ये फीमेल चीता अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ती है। इसी के चक्कर में इन दोनों शिकारी जानवरों के बीच करीब 2 घंटे तक मैदानी जंग चलती है, जिसमें चोट तो दोनों को ही आती है, पर खुशकिस्मती से चीता के बच्चे बच जाते हैं। अब ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि चीता दुनिया में पाए जाने वाले सबसे तेज लैंड एनिमल है, जिनकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और ये काफी तेज तर्रार भी होते हैं, जबकि लेपर्ड साइज में थोड़े कम होते हैं और इनका जो बॉडी वेट है वो भी ज्यादा होता है, पर ये चीता से पावरफुल होते हैं। जहां एक तरफ चीता अपनी रफ्तार की वजह से जाना जाता है, तो दूसरी तरफ लेपर्ड अपने शिकार का पहले तो पीछा करते हैं और फिर मौका मिलने पर उसे धर दबोचते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों का आमना सामना हो तो चीता को भाग निकलना चाहिए, क्योंकि लेपर्ड अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी जान ले सकते हैं। और ठीक ऐसा ही आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है, जहां पहले तो इस तेंदुए ने चीते पर सही समय पर हमला किया और फिर उसे जान से मार दिया। अब आप हमसे ये मत पूछेगा कि जू के अंदर शेर के इलाके में भलाई ये दो भालू क्या कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां शेर के पास ऐसा ना जाने क्या है जो इस भालू को चाहिए, तभी तो ये शेर के पास जाता है और ये दोनों ही किसी चीज के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। भालू का अपने इतने नजदीक आना शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए बिना सोचे समझे शेर तुरंत भालू पर अटैक करने लगता है और तब जाकर भालू को समझ में आता है कि उसने गलत पंगा ले लिया। उसे शेर से उंगली नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो पीछे हट जाता है। अब आप शिकारी जानवरों के बीच होने वाले इन लड़ाइयों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।